छत्तीसगढ़ विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अनुपूरक बजट पारित होने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैंने प्रदेश की सबसे बड़ी सदन और लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और वह पारित भी हुआ। उन्होंने कहा कि ये 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट का 2023-24 के लिए है, जिसमें किसान भाइयों के हित के लिए कृषक उन्नति योजना में 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज के तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन का प्रावधान पारित हो गया है। हम हमारी कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये सरकार गारंटी की सरकार है। सरकार लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित है। हमारी गारंटी को लगातार पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं आज इस प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंच करके आज अपना पहला अनुपूरक प्रस्तुत किया और पहला अनुपूरक यहां पे पारित हुआ है। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया है, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए किसान भाइयों के हित के,